हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 13.1 के क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें हमने घनघिन आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन किए। आज हम 13.5 में घनघिन आपके आयतन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 13.1 और 13.5 की आपके सिलेबस में इसमें दिया है, माचिस की डिब्बी का माप 4 सेमी इंटू 2.5 सेमी इंटू 1.5 सेमी। एक माचिस की डिब्बी का माप इतना, तो 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन कितना होगा? कितने डिब्बियों के 12 डिब्बियों के आयतन पूछा है, बोल दिया उसने। तो यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। माचिस की एक डिब्बी का आयतन, माचिस की डिब्बी किस आकार की होती है? गुलाब के आकार की होती है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 4 × 2.5 × 1.5, 25 × 100, 100 × 15, 1500। दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट है, तो यहां पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो कितना आ गया? 15 घन सेमी। कितना आ गया हमारे पास? 15 घन सेमी। कितनी डिब्बी का? एक डिब्बी का। कितना के बोल रहा है? 12। तो 12 डिब्बियों की पैकेट का आयतन, आयतन में क्या आता है? सेमी है, तो सेमी की क्यूब। यहां क्या लिख सकते हैं? घन सेमी भी लिख सकते हैं। मीटर हो तो मीटर की क्यूब, यहां घन। तो 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन 12 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 12 × 15 = 180 घन सेमी। तो 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन कितना होगा हमारा? 180 घन सेमी। सिंपल ही क्वेश्चन था। माचिस की ये माप दे रखी थी, एक डिब्बी का आयतन निकाल लिया, 12 डिब्बियों का पूछा है, तो 12 से क्या कर दोगे? गुणा कर दो। सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी। अब देखो, घनाभाकार टंकी की लंबाई स्मॉल एल इक्वल दे रखी है 6 मीटर, 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी। चौड़ाई कितनी दे रखी है यहां पर हमें? चौड़ाई बी इक्वल 5 मीटर और 4.5 मीटर गहरी है। गहरी है अर्थात उसकी ये क्या होगी? ऊंचाई 4.5 मीटर। ये गहरी, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? टंकी की माप बता रही है और उसने पूछा इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। किसी भी टंकी में उसके आयतन के बराबर पानी आ सकता है। किसी भी टंकी में कितना पानी आ सकता है? उसके आयतन के बराबर। तो इस घनाभाकार टंकी का आयतन निकालते हैं पहले। तो घनाभाकार टंकी का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 6 × 5 × 4.5, 6 × 5 = 30, 30 × 5 = 150। कितनी अंशी? 15। 30 × 4 = 120, 120 और 15 कितने हो गए? 135। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहां पर पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं। तो कितनी आ गई? 135 घन मीटर। तो इस टंकी का आयतन कितना है? 135 घन मीटर। तो एक बात याद रखोगे, एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर, क्योंकि 1 घन मीटर इक्वल 1000 लीटर। तो 1000 से इसको क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो ये माप किसमें आ जाएगी? लीटर।
तो 135,000 लीटर पानी इस टंकी में आ सकता है। क्या दिया था, टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसने ऊंचाई यानी गहराई थी उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। इस प्रकार से गहराई दे रखी तो वो क्या कहलाएगी, उसकी ऊंचाई। उसने पूछा इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, किसी भी टंकी में जो पानी है वो कितना आ सकता है उसके आयतन के बराबर। किसी भी जैसे कार्टून की बात करें उसमें कितनी वस्तु या कुछ भी रखा जा सकता है उसके आयतन के बराबर, ये बात याद रखो। तो आयतन निकाल लिया कितना है, 135 घन मीटर। एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। तो 1000 से इसको क्या कर दिया, गुणा। तो इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, 135,000 लीटर। नेक्स्ट, एक गनापकार बर्तन 10 मीटर लंबा, देखो थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे इसमें क्या दिए, जो वैल्यू दी है सबसे पहले उसी को ही लिखो, जिस प्रकार से वैल्यू दे रखी है वो लिखते जाओ। क्या बोला है इसमें, एक गनापकार बर्तन 10 मीटर लंबा। अब देखो गनापकार बर्तन की लंबाई, बर्तन की लंबाई स्मॉल एल इक्वल कितनी दे रखी है, 10 मीटर। ये गनापकार बर्तन कितना लंबा है, 10 मीटर, और 8 मीटर चौड़ा है। चौड़ाई बी इक्वल कितनी दे रखी है, 8 मीटर। अब क्या बोलता है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। अब बोलता है इस बर्तन को कितना ऊंचा करेंगे, इसमें कितने घन मीटर द्रव आ जाए, द्रव यानी कोई भी लिक्विड कितना आ जाए, 380 घन मीटर। तो मान लेते हैं, माना ऊंचाई इक्वल स्मॉल एच मीटर। क्या मान ली, ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच मीटर। अब देखो गनाबाकार बर्तन का आयतन, ये बोल का उसने पानी कितना आना चाहिए, 380 घन मीटर, यही बोल का। इसका था उसका आयतन कितना आना चाहिए, 380 घन मीटर होना चाहिए। तो यहां पर आयतन का सूत्र लगाएंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कितना दे रखा है, 380 घन मीटर। यहां पर लंबाई कितनी है हमारी, 10 इंटू चौड़ाई 8 इंटू ऊंचाई एच इक्वल में 380। तो यहां से स्मॉल एच इक्वल 380 बटा में, ये 10 और 8 गुणा में है, इधर किसमें चलेंगे, भाग में, 10 से 10 कैंसल, 2 चौके 8, 19 दुए 38, तो एच इक्वल कितना आ गया, 19 बटे 4। 19 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, फिर पॉइंट 3 बचेंगे 30, 4 7 28, 4 5 20। तो इस गनाबाकार बर्तन को कितने मीटर ऊंचा किया जाए, 4.75 मीटर। तो इस गनाबाकार बर्तन को अगर 4.75 मीटर ऊंचा किया जाएगा तो इस बर्तन में कितना पानी आ जाएगा, 380 घन मीटर कोई भी द्रव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक गनाबाकार गड्ढा खुदवाना में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक घन मीटर का खर्चा दे रखा है, टोटल घन मीटर का पूछा है कितना आ जाएगा। तो पहले उसका क्या निकालेंगे, उस गड्ढे का आयतन ही निकालें।
मीटर लंबा, लंबाई एल, यहां लिख लोगे नाभाकार गड्ढे की लंबाई एल इक्वल 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, चौड़ाई बी इक्वल 6 मीटर और ऊंचाई स्मॉल एच इक्वल 3 मीटर। तो गुनाभाकार गड्ढे का आयतन, क्योंकि गड्ढे को खुदवाना है तो खुदवाया कितना जाएगा, जितना उसका आयतन होगा, गुनाभाकार गड्ढे का आयतन इक्वल में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 8 इंटू 6 इंटू 3, 6 की 18 इंटू 8, 18 8 144 घन मीटर। कितने घन मीटर है उस गड्ढे का आयतन, 144 घन मीटर। अब आगे क्या बोलते हैं, चूंकि 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से, चूंकि प्रति घन मीटर गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए, यहां बोल सकते हैं चूंकि एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय इक्वल 30 रुपए, एक घन मीटर भी बोल सकते हैं या प्रति घन मीटर, तो 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना होगा, 144 को किससे गुणा करेंगे, 30 से, 0 की 0 फिर 3 चौके 12, एक अंशिल 12 और एक 13, फिर एक अंशिल 3 और एक 4, तो कितने रुपए खर्च आएगा इस पर, 4320 रुपए। देखो इसमें क्या दिया था, गुनाभाकार गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी थी, यहां से हमने देख लिया इस गुनाभाकार गड्ढे को खुदवाना है तो इसका क्या निकाल दिया, सबसे पहले आयतन, फिर उसने बोल दिया एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना है 30 रुपए, तो हमें कितने घन मीटर खुदवाना है, 144 घन मीटर, तो 144 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो टोटल व्यय कितना आएगा, 4320। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।